अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द आस्क दान का शो, जिसका हम स्पेशल एडिशन कर रहे हैं फॉर स्मॉल बिजनेसेस। और बड़ा मज़ा आता है, स्मॉल बिजनेसेस आते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, दे आस्क देयर क्वेश्चंस और हम जवाब देते हैं। एंड वी सी कि किस तरह पोटेंशियल है अभी भी एक छोटे से बिजनेस, एक छोटे से आइडिया के लिए हमारी करंट मार्केट के अंदर सक्सीड करने के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक और स्मॉल बिजनेस, अपने बारे में हमें बताएं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं ड्रिंकिंग वाटर का जो है ना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका आइडिया लेके मैं चला हूँ, लेकिन मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है। अच्छा। मैं ब्लैंक हूँ, तो इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए कि मैं इसको मार्केट कैसे करूँ। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो इसका अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ थोड़ा सा कि आप ड्रिंकिंग वाटर क्यों करना चाहते हो? ये आइडिया आपको क्यों लगता है कि मैं करूँगा? ड्रिंकिंग वाटर इस सेंस में है कि लोगों ने पानी पीना तो नहीं छोड़ना। Okay, पानी तो हर एक के लिए नीड है और बहुत बड़ी नीड है। Okay. और जैसा कि हमारे शहर में, लाहौर में या पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान में ये मसला बन रहा है। ठीक है, पानी बहुत गंदा आ रहा है। तैयार हो चुका है, आपको सिर्फ मार्केट करने के बारे में पूछना है। हाँ जी, मार्केट कि मैं कहाँ से पानी लाऊंगा, वो सब आपको पता है। जी जी, वो मेरा मॉडल क्या है। सो मार्केट करने के लिए सबसे पहले तो हम देखें, जिस दौर में रह रहे हैं उसी दौर के अंदर मार्केट करना है। एक मार्केटर का क्या काम होता है? बिजनेस अपना ऐड किसी तक कैसे पहुंचाता है? कम्युनिकेट करके, बात करके, बता के। अब आप कैसे बताओगे? पहले लोग रेडियो में बताते थे, अखबारों में बताते थे, आप कैसे बता रहे हो? आपके पास सबसे बेस्ट है टाइम इस वक्त दुनिया में, 300-400 सदियों में कामयाब होने का ये वक्त, क्योंकि आपके पास इंटरनेट, आपके फ़ोन के ऊपर 5-6 ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जहाँ से आप यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप मिलियंस के ऑडियंस तक पहुँच सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप अपनी सोशल प्रेजेंस बिल्ड करो। एक कोई भी एक यूज़र नेम, जो भी आपका नाम है बिजनेस का, कोशिश करो ड्रिंकिंग वाटर से करीब करीब ही हो उसमें, जैसे प्योर ड्रिंकिंग वाटर या एनीथिंग, ताकि वो एसईओ के लिहाज से भी आपको बाद में हेल्पफुल हो। सही। तो सारे सोशल अकाउंट्स पे वो वाला यूज़र नेम एक्वायर कर लो और अपने सोशल अकाउंट्स बनाओ, और साथ साथ अपने बिजनेस को जैसे गूगल पे लिस्ट करो। गूगल लिस्टिंग का पता है, गूगल माई बिजनेस पे जाओ और बिजनेस को लिस्ट करो, उसकी पिन ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करो, वो आपको वेरिफिकेशन भेजेगा 14 डेज के अंदर। सही है, तो वो आप करो और फिर स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट। जो लोगों को आपने पहले बताना है कि प्रॉब्लम क्या है। सही है, आप अगर किसी को कोई चीज़, जब लोग कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो वो साइकोलॉजिकली खरीदते हैं, ठीक है, लॉजिकली नहीं खरीदते। बिल्कुल इमोशन से सोचते हैं कि यार इसकी वजह से मेरे बच्चे की सेहत अच्छी हो जाएगी, या इसकी वजह से मैं हेल्दी रहूँगा, मैं एक लंबी ज़िंदगी जी सकूँगा। सो जो भी आपने प्रोडक्ट दिखानी है, आपने उनके प्रॉब्लम का उनको एक सोल्यूशन देना है। पहले प्रॉब्लम देना है, फिर सोल्यूशन देना है। सो आप इस फॉर्मेट को लेके चलोगे और कंटेंट इसके ऊपर बनाओगे। लाजमी नहीं है कि ये पेड है, बेशक आपको ऑडियो कंटेंट बनाना आता है, आप ऑडियो कंटेंट बनाओ, रिटर्न आता है आप रिटर्न बनाओ, वीडियो आती है आप वीडियो बनाओ, बस कंटेंट बनाओ। ठीक है, तो इसके लिए मैं वेबसाइट से स्टार्ट लूँ या सोशल मीडिया से स्टार्ट लूँ? वेबसाइट बनाऊं पहले? बोथ वेज हम जा सकते हैं। आप सबसे पहले तो शुरू करो फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करो। गूगल पे अपनी लिस्ट बना लो, गूगल के साथ वो आपको वेबसाइट खुद ही दे देता है। उसमें आपने जब होम और इन्फो और टाइमिंग्स और 2-4 चीज़ें फिल करोगे, वो आपका वेबसाइट गूगल खुद ही बना के रख देगा। वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको वेबसाइट चाहिए जब आप लिस्टिंग क्रिएट करोगे बिजनेस की। तो आप वो वाली साइट से इस्तेमाल करो, वो इनफ ट्रैफिक देखती है, लोकल सर्च के लिए भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गूगल के अपने हैं। सो फेसबुक पे भी पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी और यहाँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं अपना कंटेंट कैसे प्लान करूँ ये सोशल मीडिया के लिए? इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, उसके लिए वैसे तो कंटेंट कैलेंडर्स होते हैं। सही है, कंटेंट कैलेंडर अगर आप सर्च करो गूगल में, आपको कंटेंट कैलेंडर मिल जाता है। कि कैलेंडर क्या है कि मैंने हर थर्सडे को यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है, ये इसका एक टाइम सेट कर लिया। फिर वो हर थर्सडे को अपलोड होने वाली वीडियोस आखिर क्या पूरा महीना एक ही टॉपिक पे चलेंगी, या महीने में उसके मल्टीपल टॉपिक्स आएंगे? क्या इवेंट्स के अकॉर्डिंग मैं अपने टॉपिक्स चेंज करूँगा कि ईद आ रही है तो मैं उसके रेलेवेंट कोई कंटेंट अपलोड करूँगा? सो ये पूरा तरीका होता है। आप हमारा एक कोर्स उसके अंदर भी है वो तरीका, वरना आप गूगल भी कर सकते हो। बहुत लोग सिखाते हैं कॉन्टेंट कैलेंडर कैसे बनता है। सो आपने बस एक काम करना है कि स्केड्यूल नहीं छोड़ना। मतलब अगर रोज़ 5 बजे है तो रोज़ 5 बजे करना है, रोज़ 3 बजे करो तो रोज़ 3 बजे करो। सिर्फ बुध को शाम 8 बजे है तो सिर्फ बुध को शाम 8 बजे करो। एक स्केड्यूल बनाओ ताकि ऑडियंस को आदत पड़ जाए आपको देखने की रोज़ उसी टाइम पे। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी ब्रांडिंग मैं कैसे, किस तरीके से करूँ? अच्छा, ब्रांडिंग के लिए सबसे पहले तो जो चीज़ आपको चाहिए वो एक नाम है। हाँ जी, जो आपने सोचा है ऑलरेडी? जी बिल्कुल सोचा हुआ है, पाक पानी। पाक पानी, वेरी गुड, अच्छा नाम है, मतलब लोकल ऑडियंस से अच्छा भी लगेगा। सो आप पाक पानी .pkr.com जो भी आपको मिलते हैं वो भी आप एक्वायर कर लोगे, गूगल पे उसी नाम से बनाओगे। सो आपने अपना नाम तो ब्रांड कर लिया, उसके बाद ऑब्वियसली आपका एक लोगो होगा जो बिल्कुल सिंपल सा भी हो टू बिगिन विद। ये आपकी चॉइस है, लोगो किसी भी किस्म का हो सकता है, बट जिस तरह कि हम एरा में रह रहे हैं द सिंपलर द बेटर, सही है। तो उसका ईजी सा कोई लोगो बनाओ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि आपने अपने ब्रांड को एक मैसेज जो देना है वो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप वार्म मैसेज देना चाहते हो तो आप कौन से कलर्स यूज़ करोगे। अगर आप एनर्जी है, मतलब अगर आप यूथ के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप क्या कलर्स इस्तेमाल करोगे। पानी के लिए आप किस चीज़ को अपने साथ लेके चलोगे, इसको आपने सबसे ज़्यादा अपने, और अगर कोई टीम है आपकी साथ में और भी लोग हैं तो उनके साथ बैठ के इसको ब्रेनस्टॉर्म करना है, ड्रॉ करके देखना है कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा, वो चीज़ लेके फिर सारे सोशल मीडियाज़ पे वो कंसिस्टेंटली सब पे एक जैसा कवर हो, सब पे एक जैसी पिक्चर्स हो। जब कोई चीज़ पोस्ट करो तो अपने लोगों के साथ पोस्ट करो, जितना भी कंटेंट क्रिएट करो। सो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रांडिंग, अगर आप प्रिंट में करना चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे मैं कहूँगी कि आप वैसे ना करें, सही, क्योंकि कैपिटल बहुत थोड़ा है। हाँ, अगला क्वेश्चन यही है कि कैपिटल बहुत थोड़ा है और उससे मैंने स्टार्ट करना है इस चीज़ को। बिकॉज़ प्रिंट में तो देखिए वेस्ट ऑफ मनी है, प्रिंट में पहले ही बड़े बड़े नाम बैठे हुए, सही है। प्रिंट में या इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने कोई चीज़ 1 लाख रुपया लगा के 5 सेकंड के लिए लेनी है, टाइम हमें एयर टाइम मिल रहा है, ठीक है, और वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है। अब फेसबुक के ऊपर हमें $5 के अंदर 1000 लोग देख रहे हैं, तो वाई नॉट, और वो भी आपकी टारगेट ऑडियंस जो एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट ढूंढ रही है, तो वाई नॉट दैट वे। ये तो मुश्किल है ना, ये महंगा भी है। सो ये ओवररेटेड है, ये खत्म हो जाएगा कुछ हिस्से में, सॉरी प्रिंट मीडिया, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है यार, दौर होता है, हर चीज़ का वक्त होता है, रेडियो का खत्म हो गया, उसका खत्म, सही। तो इसको मैं एक्सपेंड कैसे कर सकता हूँ अपने बिजनेस को? अच्छा, अपने बिजनेस को पहले तो आप स्टार्ट करना जरूरी है एक्सपेंड करने के लिए। वंस द सेल्स स्टार्ट कमिंग इन, ठीक है, आपने ब्रांडिंग की, आपने मैसेज किया, सबसे पहले तो आपने कुछ भी पैसे नहीं लगाए, सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट क्रिएट करना है पानी के बारे में, पाक पानी के बारे में, हेल्दी वाटर के बारे में। हेल्दी वाटर मतलब क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, साफ पानी क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर पॉडकास्ट बनाए, बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे हम बात करते हैं ना, हम बात कर रहे हैं, फ़ोन पे एंकर ऐप है, एंकर ऐप इंस्टॉल कर ले, पॉडकास्ट बना ले पाक पानी के नाम से, और रोज़ पानी के बारे में ना एक आवाज़ रिकॉर्ड कर दिया करें कि पानी के ये फ़ायदे, पानी यूँ इसलिए ज़रूरी है, पानी से ये बीमारी का इलाज हो सकता है, पानी से रेलिवेंट जो भी आपके कीवर्ड्स हैं। और देखें कि दूसरी मिनरल वाटर की कंपनीज़ क्या कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रही हैं, उन कीवर्ड्स को भी हैक करें, उनके अराउंड लॉन्ग टेल बनाएं। मतलब अगर वो कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर को टारगेट कर रहे हैं तो आप करो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यू नो द बेस्ट वे टू गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। जितना लंबा करते जाओगे आप अपने टाइटल को, चाहे यूट्यूब का वीडियो हो, चाहे फेसबुक का टेक्स्ट हो, चाहे पॉडकास्ट हो, कोई भी हो, आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड, आपके ब्लॉग का भी कोई टाइटल होगा, वो आपको रैंक करवाएगा, सही, मेक सेंस, ठीक हो गया। और आखिर में यही क्वेश्चन है कि मैं कंसिस्टेंट कैसे रहूँगा। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी के लिए आप देखो, आप इस वक्त इस दौर के अंदर आप चाह रहे हो कि आप एक टॉप लाइफ जियो, चाह तो आप ये रहे हो ना एज एन एंटरप्रेन्योर, आपका ड्रीम यही है कि मैं जहाँ मर्जी रहूँ, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स इसीलिए बनते हैं कि मैं जहाँ मर्जी रहूँ, जो मर्जी काम करूँ, मेरी एक लाइफ सस्टेनेबल होती रहे, मुझे नौकरी ना करनी पड़े, मुझे टेंशन ना हो। तो ये टॉप 1% लाइफ स्टाइल है। दुनिया में 99% लोगों को छोड़ के, 99.99% फीसद लोगों को छोड़ के ये टॉप 1% का जो लाइफस्टाइल है हम वो चाह रहे हैं। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दौर बेशक एडवांस हो गया है, लेकिन अगर हम पीछे भी हिस्ट्री में देखें और आज भी देखें तो मेहनत के बगैर कोई भी, देयर इज़ नथिंग, यू नो, बेमेहनती पे हम कोई जौहर नहीं खिलता, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अब आपने कंसिस्टेंसी अगर आपको चाहिए तो आपने अपने आप के साथ वादा करना, अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ के अगर इसको चलेंगे ना कि यू नो दिस इज़ ऑल आई हैव टू डू, इसकी वजह से मैं दुनिया में आया था, मैं दुनिया को एक बेहतर हालत में छोड़ के जाऊँगा जिस लिए आया था। सो एंड देन अपने आप को रिवॉर्ड करें जब कंसिस्टेंट हो अपने आप। डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ के शुरू में ही सेट कर लेंगे मैं वीक में 10 वीडियोस बनानी है तो बने ही ना, सही है। इतना करें जितना कर सकते हैं स्टार्ट में। वैसे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनाना चाहिए, 50 भी बनाए दिन में तो कम है, लेकिन जितना भी बना सकते हैं शुरू में अपने लिए सेट करें कि मेरे कंपेटिटर्स अगर वीक में 2 दफ़ा पोस्ट करते हैं, चलो मैं 3 दफ़ा कर लूँ। अब 3 दफ़ा के ऊपर आपने लाजमी पक्के रहना है, ठीक है। उसका टाइम डिसाइड कर लिया, फिर उसके ऊपर अपने आपको रिवॉर्ड करना है। कॉफ़ी पीने चले गए, किताब पढ़ना चाहता है, किताब पढ़ ली, स्विमिंग अच्छी लगती है, फुटबॉल अच्छा लगता है, दोस्तों से बात, जो भी आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए रिवॉर्ड है, ये मुझे मोटिवेटेड रखेगा। जब ना कर सकें तो अपने आप को पनिश करें, मतलब अपने आप से एक चीज़ ले लें कि आज मैं संडे की कॉफ़ी नहीं पी सकता क्योंकि मैंने वीडियो नहीं की थी। तो फिर अपने आप के साथ ये जब सिस्टम बना लेंगे अपना, तो आपकी कंसिस्टेंसी बेस्ट, सही। तो इतनी नॉइजी मार्केट है, इतने कंपेटिटर्स हैं, उनको कैसे कम्पीट किया जा सके, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कंपेटिटर्स तो दुनिया में हमेशा रहते हैं, बट आप अगर एक बिग ब्रांड बनना चाहते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास इस वक्त। या तो आप 2-3 अरब रुपया लगा लें बिजनेस में, आप बिग ब्रांड बन जाएंगे, एक्वाफिना के पास खड़े हो जाएंगे, शायद मैं 2-3 अरब भी कम कह रही हूँ, सो आप लगा लें। दूसरा काम आपके पास ये है कि आप साउंड पे जाएँ, अपने ब्रांड की आवाज़ बनाएं। जैसे पानी का बिजनेस है तो ड्रॉप ही इतने मज़े की आवाज़ है, ये आपका जैसे लोगो होता है ना, इसमें आपकी साउंड आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। जब भी वो एक स्पेसिफिक साउंड होगा, टिक टिक या जो भी आप पाक पानी का बनाओगे, जब भी वो बजेगा आप उसको इतना फेमस कर दोगे, बार बार प्ले करके 7 दफ़ा लोग देखेंगे, 8 दफ़ा देखेंगे, 25 दफ़ा देखेंगे, उनको याद हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं पप्पा पप्पा तो हमें पता है कि KFC। तो इस तरह आप एक साउंड बना लो एंड आप एक नॉइजी मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस बना सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल राइट। सो अगर आपको फिर भी कभी ज़िंदगी में कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे हमेशा पूछ सकते हो। आपको मज़ा आया? इंशाल्लाह बहुत मज़ा आया। ओके, परफेक्ट। सो दिस वाज अहमद, जो करना चाहते हैं पाक पानी, और मेरी दुआ है कि पाक पानी बहुत कामयाब रहे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा प्लीज़, और बांटने से बढ़ता है, सही है ना। और फिर अगर आप लोगों को भी हेल्प की ज़रूरत है, कोई स्मॉल बिजनेस है, किसी का कोई क्वेश्चन है, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। स्मॉल बिजनेसेस के लिए स्पेशली ये ऑफर है कि फिजिकली मेरे से मिल सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, एंड there's no charges, so you're welcome to my home. Bye bye.